देश के महारजिस्ट्रार की ओर से छोटे और बड़े शहरों की आबादी को लेकर उम्र के हिसाब से ताज़ा आंकड़ा जुलाई में जारी किया गया। इस आंकड़े के आईने में यूपी के शहरों में यंगिस्तान की झलक दिखाई पड़ रही है। 16 से 35 साल तक के युवाओं की आबादी देखने पर कानपुर नंबर वन दिख रहा है। सूबे में सबसे ज़्यादा 11,11,212 नौजवान कानपुर सिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में रहते हैं। नवाबों की नगरी लखनऊ नौजवानों की गिनती के मामले में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,65,000 से ज़्यादा नौजवान हैं। 61,000 से ज़्यादा नौजवानों की मौजूदगी ताज नगरी आगरा को तीसरे पायदान पर खड़ा करती है। देश के छोटे और बड़े शहरों में किस उम्र के कितने लोग रहते हैं, ये आंकड़े पहली बार केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। शहरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में सहायक बनने वाले इन आंकड़ों में यूपी का चेहरा भी छिपा है। महानगरों में कानपुर, लखनऊ, आगरा के बाद गाजियाबाद शहर का है। गाजियाबाद नगर निगम सीमा में 6,08,787 युवा रहते हैं, तो यंगिस्तान के उम्रवार मापदंड में मेरठ शहर का 5वां नंबर है। मेरठ में युवाओं की संख्या 4,95,432 है। संगम नगरी इलाहाबाद में 4,64,364 तो वाराणसी में 4,59,305 नौजवानों की संख्या बताई गई है। मुरादाबाद में 3,40,595, अलीगढ़ में 3,39,917, बरेली में 3,37,475, सहारनपुर में 2,67,560, गोरखपुर में 2,62,464 तो झांसी नगर निगम एरिया में सबसे कम 1,95,733 नौजवानों की संख्या दर्ज हुई है। इसके साथ ही यूपी से एक और अच्छी खबर है। कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों में रहने वाले श्रमिकों और श्रमिकों की वापसी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब तक लगभग 32,00,000 श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक रूप से लौटाया गया है। अब ये क्रम रुकता दिख रहा है। अब सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती रिटर्निंग वर्कर्स को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना है। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए एक पूर्ण कार्य योजना भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत प्रवासी श्रमिक निर्माण कार्यों में 90 दिनों तक काम करेंगे, तब उन्हें विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुफ्त शिक्षा के अलावा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के मजदूरों के 5,00,000 तक के बच्चों की बीमारी और बीमा में मदद मिलेगी। उन्हें कई अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। इन श्रमिकों को श्रम विभाग के संस्था भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण कराना होगा। राज्य में 90 दिनों तक काम करने वाले उन्हें अपना पंजीकरण जिला श्रम अधिकारी या जन सुविधा केंद्र पर 20 रुपये में करवाना होगा। इसके अलावा 20-20 रुपये के नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 3 साल के लिए करना होगा। श्रमिकों को 90 दिनों के लिए राज्य में काम करने का अपना घोषित प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसके बाद उन्हें लगभग 17 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।